जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई बच्चा कोई बच्ची अगर शादी नहीं हो रही हो, या कोई एग्जाम देने बैठा है, सीए का एग्जाम दे रहे हैं या किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, और बच्चा पास नहीं हो रहा, निकल ही नहीं रहा, तो जो अशोक सुंदरी वाली लाइन होती है ना, उस अशोक सुंदरी की लाइन पर अगर कुंकू चढ़ाकर और लाल पुष्प चढ़ाकर उसी कुंकू का तिलक लगाकर बालक या बालिका चले जाते हैं तो वो उस परीक्षा में पास हो जाते हैं जिस परीक्षा में वो गए। अशोक सुंदरी के स्थान की इतनी महत्व है, अशोक सुंदरी के स्थान का इतना महत्व। निवेदन है आपसे, जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर, उसमें सात दुर्वा हाथ में लेकर, चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर सात बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।